मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 6। आज है थर्सडे 28 है और पार्थ के लिए मैं अभी खाना बना रही हूँ और फिर पार्थ स्कूल जाएगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये पार्थ स्कूल के लिए रेडी हो गया है और अब ये निकल रहा है। बाय पार्थ। पार्थ स्कूल जा चुका है और अब मैं फ्री हूँ, क्योंकि जब तक पार्थ स्कूल नहीं जाता मेरे को सांस नहीं आता, ये लगा लो। कभी उसको नहलाना है, उसका खाना बनाना है, उसका टिफ़िन पैक करना है, उसकी बोतल देनी है, उसका बैग पैक करना है। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब है मेरा शेड्यूल, थोड़ी देर मैं फ़ोन देखूँगी, उसके बाद घर का काम करूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक पार्थ स्कूल नहीं चला जाता है मुझे टाइम नहीं मिलता है, उसकी इतनी प्रिपरेशन करनी होती है मेरे को, तो इस वजह से मैं अपना पर्सनल कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो अभी है मेरा टी टाइम, तो मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ। तो वही स्कूलों में अब ऐसा हो रहा है कि कोविड चला हुआ है, ठीक है, बट अगर बच्चे को, अब ये मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे को खांसी बुखार थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो अभी पार्थ को थोड़ी खांसी है, मैंने स्कूल तो उसको भेज दिया है, बट ये है कि कभी स्कूल से कॉल वॉल ना आ जाए कि ले जाओ इसको, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि अगर बच्चे को कोल्ड है, फीवर है, कफ है तो स्कूल नहीं भेजना है। बट ये बताओ ना कि अब बच्चे की खांसी है, वो 10 से 12 दिन ज़रूर लेगी, तो वो 12 दिन बच्चे का स्कूल का लॉस है। या तो आप ऑफलाइन क्लास बंद करके ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, खांसी जुकाम हुए बिना उनको रहता नहीं है। तो अब मैंने भेज तो दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो ये संदीप अभी सो रहा है, ये डेली पार्थ को स्कूल बस तक छोड़ के आने के बाद डेली सो जाता है या पता नहीं लेटा रहता है। कहता तो ये है कि मैं सो नहीं रहा और ये इसी स्टाइल में सोता है। सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा सब हो गया मेरा और खाना मैंने सुबह ही बना दिया था जब पार्क स्कूल जा रहा था, तो उसके साथ ही मैंने आटा लगा दिया था और सब्जी बना दी थी। हम 2 बार ही खाना खाते हैं दिन में, सुबह हम चाय के साथ या दूध के साथ सिर्फ ब्रेड बिस्किट या फिर रस लेते हैं, स्पेशल कुछ ब्रेकफास्ट में ऐसे बनाते नहीं है, पराठे पोहा पास्ता वास्ता ऐसे मतलब स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, जो होता है बस वही खा लेते हैं। उसके बाद हम लंच करते हैं दोपहर का, वो हम जल्दी खा लेते हैं, 11, 11:30, 12 तक लास्ट है, खा लेते हैं। और रात का डिनर हम 7, 7:30 तक, वो भी हमारा हो जाता है। तो हम 2 ही बार खाना खाते हैं, इसलिए मेरा काम ख़त्म। और अब मैं जा रही हूँ नहाने और नहा के मैं करूँगी मंदिर में पूजा और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो गाइज आप देख ही रहे होंगे कि सुबह से ये व्लॉग मैं ही शूट कर रही हूँ, इस व्लॉग में सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, संदीप कहीं भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारी लड़ाई हो रखी है, इस वजह से सारा व्लॉग मैं ही शूट कर रही हूँ, शायद इसकी एडिटिंग भी मैं ही करूँगी। बाकी जो पहले व्लॉग आते थे उनकी एडिटिंग संदीप करता था, बट इसकी एडिटिंग मैं करूँगी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि संदीप ज़्यादा अच्छी एडिटिंग करता था या मैंने ज़्यादा अच्छी एडिटिंग करी है। पार्थ के स्कूल में जाने के बाद बिल्कुल घर ऐसा खाली हो जाता है, अपना घर का 2-4 जो मेरे काम है वो किया और फिर फ्री, पूरा दिन कुछ काम नहीं होता तो मन भी नहीं लगता। और ये जो है ये मेरे हाथ जले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको ये, और ये कि यहाँ पे ये मेरा 4-5 दिन पहले जला था और ये मेरा 2 दिन पहले जला है। आपको मैं बता दूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे बनाती हूँ, कुकर में चम्मच घुमा रही थी तो यहाँ पर ये हाथ लग गया और यहाँ पे भी कुकर से ही लगा था, दोनों बार मेरा हाथ कुकर से जला है 2-2 दिन के गैप में। तो आप लोग जब भी खाना बनाएं तो सेफ्टी से बनाएं, मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं सेफ्टी से बनाऊं, बट हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। तो ये मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उमिषेन्दुराची।
कंठी झके माण मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव खचिता फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा तेरे जड़ता मुकुट शोभ तो बरा पूरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव अभी 12 बजने में 7 मिनट है और मेरी पूजा हो गई है और मैंने सूरज को पानी भी दे दिया है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, सूरज की रोशनी बहुत तेज है। तो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो भैया हमारा खाना आ गया है, ये लस्सी सब्जी रोटी प्याज, ये मेरी वाली प्लेट है। इसमें आप देख सकते हैं ये प्याज मैंने कट नहीं किया है, तो इसका एक रीज़न है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर जैसे हम ऐसे कट करके प्याज खाते हैं उसमें कुछ अलग टेस्ट होता है, और अगर डायरेक्ट बिना कट करके डायरेक्ट खाते हैं तो ये वाला जो प्याज है वो बहुत टेस्टी लगता है। ना चाकू से कट किए इसको ऐसे ही खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। पार्थ आ गया है, अब इनके काम देखना। ये देखो, ये मैंने अभी पोचा लगाया था और ये जूते पहन के अंदर घुस गए हैं। चप्पल निकाल दो, जूते अपने निकाल दे बेटा। पार्थ थोड़ा समझदार है, निकाल रहा है। और ये इनका डेली का है, ये मेरे डेली रूटीन का एक पार्ट है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोचा लगाया था और इनको ये पोचा खराब करना है। हाँ पार्थ, मिट्टी के पैर ला के और सारा पोचा गंदा करते हो ना, बाहर जूते निकालने चाहिए ना पार्थ। ये देखो अभी सारे घर में घुमा जा रहा है, हर जगह पैर छापने हैं, सारा पोचा गंदा करना है। बाहर तुम घर में पैर रखेंगे या नहीं रखेंगे? चप्पलें निकल सकती हैं मेन गेट पे। घर गंदा नहीं होगा तो साफ कैसे होगा? घर गंदा होगा तभी तो साफ होगा ना। नहीं, चप्पल मेन गेट पे तमीज है भाई। हैं, यही सीखता है क्या स्कूल में? मैम को दिखाऊंगी तेरी एक क्लिप, ठीक है? यही वाली तमीज, ये पिटाई करूंगा, मम्मी की पिटाई करेगा, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है आज तेरा। ना ना ना, आप मजाक मजाक नहीं है, अब तो सब कुछ मैम के पास जाएगा, व्हाट्सएप करूंगी मैम को। नहीं नहीं, हाई क्यों, अब क्यों डर रहा है? जब मम्मी से तू बदतमीज से बोलने से नहीं डरता तो मैम से क्या डरना है? ना डरना है, डर लगता है मैम से तेरे को? क्यों देख, ये बड़े इतने सारे, जो एक जूता यहाँ दूसरा वहां, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। अरे हेयरबैंड क्यों निकाल रहा है? पागल है क्या? ये देखो, यहाँ से इसकी शैतानी चालू होगी। पार्थ, पूरे घर को ही रुक कर दिया तूने। ब्लैक कॉफ़ी आ गई है और अब हम पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी। शाम के 4 बज गए हैं और ये पार्थ सो रहा है अभी तक। बेटा ब्लैक कॉफ़ी गरम और लाइट भी गई हुई है, पर तू तो पिटता ही नहीं। पार्थ को मैंने सुला दिया था स्कूल से आने के बाद और अभी ये उठ नहीं रहा है, फिर रात को सोएगा नहीं, कल फिर स्कूल है। और अब हम पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी। We'll be right back.
शाम के 5 बज गए हैं और पार्थ अपना होमवर्क कर रहा है और वो भी लेट के। पार्थ लेट के कोई होमवर्क करता है क्या बेटा? नहीं। तो गंदा वर्क होगा ना फिर ऐसे? हाँ। चलो बैठ जाओ, बैठ के करो बेबी। वेरी गुड, सुंदर सुंदर वर्क करना सारा। ओके मम्मी, करते ही राइटिंग में पेंसिल उठा दी होती, आप उठवा दी। अरे सॉरी पार्थ, कहाँ ये वाला सी बना रहे थे? हाँ। अच्छा कोई नहीं, इसको दोबारा बना लो, बन जाएगा अभी भी। तो आप कर से बना रहे हो? हाँ। तो जब तक पार्थ अपना वर्क कंप्लीट करता है तब तक मैं उसके लिए सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि पार्थ सो के उठा था, उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया है और इसको भूख लगी हुई है। हाँ बेटा, डन हो गया, मैं कर रहा हूँ। डन हो गया तो नेक्स्ट पेज करो। तो जब तक पार्थ अपना वर्क कंप्लीट करेगा इसका खाना रेडी हो जाएगा, फिर खाना खा के हम छत पे जाएंगे। तो अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और हम आए हैं छत पे बैट बॉल खेलने के लिए। पार्थ रेडी हो? करें खेलना स्टार्ट? तो अभी हम खेलेंगे बैट बॉल, तो पार्थ बैटिंग करेगा और मैं बॉलिंग करूंगी। तो अभी आपको दिखाते हैं। सेट होने वाला है थोड़ी देर बाद। और ये एक छोटा बच्चा आउट हुआ है, दूसरा छोटा बच्चा बैटिंग पे आ गया है। हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी देखिए कैसे इनकी विकेट जाती है छोटे बच्चे की। और ये पार्थ यहाँ से बॉलिंग कराते हुए, और पीछे जाके लेना पड़ेगा। और ये पार्थ बॉलिंग करा रहा है, दूसरा बच्चा बैटिंग कर रहा है। ये अरे पार्थ ने बहुत ही भयंकर बॉलिंग की, फुल टॉस बॉल। और ये पार्थ बॉलिंग करा, अरे वाह भाई वाह, पार्थ ने बोल्ड मारा कैमरे में। और पार्थ बॉलिंग कराते हुए ये एक बार आउट भाई, दो बार आउट भाई, दो बार दूसरा छोटा बच्चा आउट हुआ है, पर ये बैटिंग ही छोड़ रहा है। ये देखिए अब इनसे बॉल लगी है। ये पार्थ ने साइकिल चलानी स्टार्ट कर दी है और पार्थ राउंड मारेगा छत पर। अभी ये पार्थ का पहला राउंड स्टार्ट। अभी हमने इसका एक टायर हटा दिया है, साइड के दो टायर हमने पहले लगे हुए थे ताकि इसको थोड़ी साइकिल चलानी आ जाए। धीरे धीरे हम इसका ये दूसरा टायर भी हटा देंगे। छत पर इसलिए चलवा रहे साइकिल, गली में काफ़ी व्हीकल चलते हैं, बाइक वगैरह बहुत स्पीड में, तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सेफ रहेगा छत पर। और ये पार्थ का लास्ट राउंड, इसका बैटिंग करने का मन कर रहा है दोबारा से, कह रहा मैं क्रिकेट खेलूँगा, और इसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि साइकिल चलाऊँ, इसलिए ये साइकिल खड़ी करने जा रहा है। तो ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो ये पार्थ अभी खेल ही रहा है और मैं अब नीचे जा रही हूँ। तो हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब 7:30 के अराउंड मैं खाना बनाऊँगी और फिर 9:30 तक मैं पार्थ को सुला दूँगी क्योंकि कल सुबह उसे स्कूल जाना है। तो इस व्लॉग को अब हम यहीं एंड करते हैं। तो ये था हमारा डेली रूटीन। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना, अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी हो बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।